Hi everyone, welcome to School. आप सभी स्कूल पर बहुत 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 सारा टूडेर विच बीन टेकन फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल और ये आपकी क्लास 11th की की बुक है जिसका चैप्टर नंबर वन हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एन द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी राइट right? सो so, यहाँ पर आपके जो ऑथर हैं इनका नाम है खुशवंत सिंह तो कुशवंत सिंह के बारे में हमें यहां पर पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ के मल्टीपल फेजेस को डिफाइन किया है और कैसे वो आपको बताते हैं कि हमारे साथ जो लोग घर में रहते हैं उनसे हम कितना अटैच हो जाते हैं और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारी फीलिंग कैसी होती है और हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में किस तरह से हमारा रिलेशन बदलते हैं ये भी सो so, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा डू यू हैव समन इन योर फैमिली जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग हो जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से आपका रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा ना रह पाए आप उनके बहुत क्लोज ना रह पाओ और फिर बाद में आप उनसे मिलो और तब तक आपको लग रहा हो कि नहीं इट्स टू लेट मुझे इनसे बहुत पहले ही मिलना चाहिए था राइट सो दिस स्टोरी इज वेरी वेरी इमोशनल वेरी वेरी हार्ट टचिंग राइट जिसमें ऑथर ने ग्रैंड मदर के बारे में अपनी बताया है कि कैसे उनकी मल्टीपल फेजिस ऑफ लाइफ में उनकी ग्रैंड मदर ने उनको सपोर्ट किया राइट right? और कैसे वो एंड में मर जाती हैं एंड शेल बी नो मोर और किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ ऑथर से ही नहीं बल्कि वर सम अदर क्रिएटर्व ऑल्सो जिनसे वो बहुत ही ज्यादा अटैच थी तो बहुत आ, एक आप बोल सकते हो एक बहुत ही ब्यूटिफुल स्टोरी है ये आ, जिसके साथ आप इमोशनली अटैच होगे और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताओगे डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट विद द स्टोरी और नॉट राइट सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन एंड लेट लेटस सी वट द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट राइट सो so, सबसे पहले हम इसके थीम के बारे में डिस्कशन करेंगे व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स में थीम जरूर से जरूर पूछा जाता है जब आप अपना एग्जाम देने के लिए जाओगे तो देयर विल बी अ टू थिंग्स राइट पहला आपसे पूछा जाएगा कि uh, म बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए और दूसरा आपसे पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव सो वेन यू पीपल आर स्टार्टिंग राइट सो आपको क्या अप्रोच रखनी है कि यू हैव टू मेक नोट्स ऑल्सो आपको नोट्स भी बनाने हैं वेल प्रिपेयरिंग योर चैप्टर्स सो इन दिस वीडियो सेशन आई एम गोइंग टू गिव द वन शॉट ऑफ द स्टोरी आई आई बी टेलिंग यू द थीम ऑफ द स्टोरी ऑल्सो और साथ ही साथ में हम लोग स्टोरी के हर एक पहलू को भी पढ़ेंगे और कितनी इमोशनल और कितनी हार्ट टचिंग ये स्टोरी है उसको भी जानेंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट सो द थीम ऑफ द पैसेज इज जस्ट टेलिंग एस दैट इट इज जस्ट इंट्रीटेड दनी स्टेज दाइफ सो एक तरह का इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऑथर कैसे कैसे मल्टीपल स्टेजेस ऑफ लाइफ में अपनी जाते हैं और कैसे कैसे उनकी मल्टीपल स्टेजेस ऑफ लाइफ में उनकी एक्सपीरियंसेज होते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड द की themes वर सीन टू बी इनोसेंस admiration एंड लव बिटवीन अ grandmother मदर एंड अ पोता और दादी के बीच में जो पहली स्टेज ऑफ लाइफ दिखाई गई है उसमें दिखाया गया कितने क्लोज कितने हार्ट टचिंग कितने ज्यादा एडमायरिंग रिलेशन में ये लोग होते हैं बच्चे होते हैं ना कितने मासूम होते हैं कितने स्वीट होते हैं अगर आप उनको लवर अफेक्शन दोगे तो वो आपको डबल लवर अफेक्शन और केयर देंगे राइट सो सिमिलरली इन द स्टेज ऑफ लाइफ ऑथर को दिखाया गया है कि हिज हिज सो लविंग हिज सो चार्मिंग हिज सो इनोसेंट हिज सो बेनिवलेंट कि वो अपनी दादी को बहुत प्यार करते हैं बहुत चाहते हैं और वो हर टाइम अपनी दादी के पास ही रहते हैं देन लेडर ऑन ड्यूरिंग द ऑथर स्टे इन सिटी हाउ एवर द टू वर लिंकड बाई थीम्स ऑफ सेपरेशन एंड अनफॉमरिटी अब फिर इसके बाद आपको पता चलेगा कि ऑथर गाँव में रहते होते हैं राइट इन द चाइल्ड हुड डेज लेकिन फिर वो थोड़े से बड़े होते हैं जब उनके स्कूल जाने के दिन आते हैं तो वो शहर शिफ्ट हो जाते हैं और जब वो शहर शिफ्ट होते हैं तो उनका जो लिंक होता है वो अपनी ग्रैंड मदर मदर से थोड़ा सा डिटैच सा हो जाता है वो ज़रूर उनके साथ उसी कमरे में सोते रहते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रह पाते थे अपनी ग्रैंड मदर से क्योंकि अब उनकी ग्रैंड मदर उन्हें स्कूल छोड़ने और लेने आया जाया नहीं करती थी राइट सो देर वॉज अ गैप बिटवीन हिम एंड दी ग्रैंड मदर राइट then uh, ultimately you will come to the elderly age of the author also और फिर आप लोग uh, एक ऐसी स्टेज भी देखोगे जहाँ पर ऑथर बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं so finally following रिटर्न फ्राम from the abroad the dominant subject appears to be a sense of reunion as well as bitter sweet ending so ऐसा होता है जब कोई इंसान हमारे पास होता है, है ना हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं कर पाते उसको उतना ज़्यादा प्यार लव और affection नहीं दे पाते right लेकिन जब वो हमसे दूर होने लगता है and we get separated जब हमारा एक दूसरे से अलगाव हो जाता है है ना तो हमारा फिर दिल टूट जाता है एंड वी फील लाइक काश काश वी बी टुगेदर काश हम लोग साथ होते काश हमारे आ, आ, वापस से कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हो सकते इस तरह की फीलिंग हमारे मन में आती है सो लास्ट पॉइंट में आप देखोगे कि ऑथर वापस से कनेक्टेड हो जाते हैं आ, अपनी ग्रैंड मदर से और ऐसा नहीं था कभी भी कि ग्रैंड मदर से वो अपनी कभी भी सेपरेट हुए थे उनके मन में हमेशा से लव एफेक्शन अपनी ग्रैंड मदर के लिए था बट हाँ डिस्टेंसेज उनकी लाइफ में आ गए थे क्योंकि ऑथर जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उनके थॉट प्रोसेस भी चेंज हो

चल सो so, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग को शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है ऑथर की है ना आप आपको पता चलेगा ऑथर ने मैं सब कुछ बताया कि ऑथर की ग्रैंड मदर दिखती कैसी थी कितनी ब्यूटीफुल थी वो किस तरह की थी अडमार करने लायक थी या नहीं थी सो so, बूढ़े लोग कैसे होते हैं आपने देखा होगा ना बूढ़े लोग आर लाइक अगर मैं एक फीमेल बूढ़े की बात करूँ तो जनरली बहुत सादे कपड़े पहनते हैं उनके बाल जनरली आप देखोगे तो वाइट कलर के हो जाते हैं अगर वो हेयर कलर वगैरह यूज नहीं करते हैं तो और आपको पता है अगर आपके घर में बुज़ुर्ग होते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि बुज़ुर्गों से घर की शान होती है बुज़ुर्गों से घर की रौनक होती है सो so, जो दादी हैं ऑथर की वो भी उनके घर की शान हैं उनके घर के लिए बहुत बड़ी ब्यूटी है

Now, the grandmother was an old woman with a wrinkled face. फेस बूढ़े लोग कैसे होते हैं उनके चेहरे पे झुरियाँ पड़ गई होती हैं लटक जाता है चेहरा है ना कुछ लोग के तो दात भी टूट जाते हैं थोड़े से पोपले टाइप के हो जाते हैं सो ऑथर ने यहाँ पर बताया है कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनका फेस रिंकल्ड हो गया था आपने कभी वो देखा है चादर चादर को जब ऐसे करके मचल देते हो आप लोग तो उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं ना वैसे ही जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी फेस ऐसे एकदम चिपक सी जाती है ऐसा लगता है कि उस पर बहुत सारी झुरियाँ आ गई हैं राइट ना द ऑथर ऑलवेज हेड ऑलवेज सीन लाइक दिस फॉर द पास्ट ट्वेंटी ईयर्स अब ऑथर कहते हैं आपको भी सबसे अलग डिफरेंट बात बताऊं तो मैंने अपनी दादी को हमेशा से ऐसे ही देखा ऐसा होता है ना जब हम लोग छोटे होते हैं तो भी हमारी दादी हमें बूढ़ी दिख रही होती है फिर और बड़े होते हैं तो और थोड़ी ऐसी बूढ़ी दिख रही होती हैं और अगर उनका हेल्दी खान पान होता है तो वो वैसे ही दिखती हैं बीस सालों तक लेकिन अगर वो धीरे धीरे डिटीरिट हो रही होती हैं उन्हें खान पान अच्छा नहीं मिलता तो वो वीक भी हो जाती हैं कमज़ोर भी हो जाती हैं राइट लेकिन यहाँ पर ऑथर के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेंशन करी गई है स्टोरी में दैट इज़ कि ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर को हमेशा वैसे ही देखा इसका मतलब यह है कि उनकी खिलाई पिलाई खान पान अच्छा था वो बात अलग है कि मेंटल आ, उनका स्टेट बहुत अच्छा नहीं रहा जब वो सिटी शिफ्ट हो गई ना तो ऑथर क्या कह रहे हैं कितने सालों से वो अपनी दादी को सिमिलरली ऐसे ही देखते चले आ रहे थे बीस सालों से फॉर ट्वेंटी ईयर्स एंड दिस इज नॉट ऑल अ शॉर्ट टाइम टाइम राइट एट दिस नॉट इवन इमेजिन हर अदर कहते हैं ओ माई गॉड कैन यू थिंक ऑफ दिस मैं हमेशा से अपनी दादी को ऐसा ही देख रहा हूँ इतनी बूढ़ी रिंकल सा फेस साड़ी पहने हुई हाथ में रोजरीज लिए हुई माला राम 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 जप रही है मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता मेरी दादी को भी बहुत सुंदर थी एकदम जिंटा, राइट तो ऑथर को लगता है कि जब मैंने हमेशा अपनी दादी को बूढ़ा देखा है तो कैसे ऐसा पॉसिबल है कि वो कभी जवान रही होंगी या उनके भी एक पति होंगे और उनका भी एक सुंदर सा फेस रहा होगा तो ऑथर को कभी ऐसा फील नहीं लगता था कि वो कभी यंग भी हो सकती हैं, प्रिटी भी हो सकती हैं, और उनके पति भी हो थे राइट सो दिस इज़ द इमेजिनेशन ऑफ ऑथर तो अगर आपसे ये पूछा जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन दैट व्हाट वाज द थॉट ऑफ ऑथर अबाउट द ग्रैंड मदर राइट तो आप क्या बोलेंगे द ऑथर वाज नॉट एट ऑल श्योर ऑफ यंग प्रिटी एंड हैविंग अ हस्बैंड राइट नाउ लेट्स लुक एट दिस ओह अब यहां पे आपको बताया गया है द हुलिया द अपीयरेंस ऑफ दादी ओके सो शी वाज शॉर्ट वो छोटी सी थी मतलब हाइट में कम थी शी वाज फैट मोटी थी है ना और स्लाइटली बेंड और हल्की सी झुक गई थी बूढ़े लोग होते है न, हो हैं ना उनकी हड्डियां कमजोर हो तो जाती हैं वो थोड़ा सा झुक करके चलते हैं राइट स्टूपिंग पोजिशन पे होते हैं सो so, ये है ऑथर की दादी का अपियरेंस ठीक द ऑथर a टर्बन एंड अ लॉन्ग वाइट chest. कवरिंग ऑथर बताते हैं कि मैंने ना अपने दादाजी को भी देखा है लेकिन हकीकत में नहीं मैंने अपने दादाजी को तस्वीर में देखा है और वो तस्वीर में बूढ़े दिखते हैं और ना उनकी बुरी बुरी सी दाढ़ी है जस्ट लाइक सेंटा क्लॉस और उनकी दाढ़ी यहाँ तक आती है उनके चेस्ट तक सो so, अगर हम इमेजिन करें कि ये हैं दादाजी ठीक है इनको थोड़ा सा मैं ऐसे लिपसिंग कर दूँ, थोड़ा सा ऐसे ऐसे रिंकल्स भी बना दूँ अगर ठीक है ये हैं दादाजी और इन्होंने यहां पर पहनी हुई है एक टर्बन एक पगड़ी टाइप की पहनी हुई है और इनकी दाढ़ी है जो खूब लंबी है और वो कहाँ तक लटकती है चेस्ट तक माइट बीन की मूछे भी होंगी बट द मूछ वाला अपीयरेंस इज नॉट मेंशन तो आपको बताना है कि ऑथर की दादी कैसी दिखती थी एंड ऑथर के दादाजी कैसे दिखते थे सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आई हैव जस्ट कवर्ड अप द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दादाजी एंड दादी जी द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड ओके सो दाढ़ी का कलर क्या था वाइट राइट right? बियर्ड का मतलब दाढ़ी होता है और यह दाढ़ी उनकी चेस्ट तक थी नेक्स्ट नाउ टू ऑथर द्रैंड फादर एंड सीम लाइक अ मैन हु कुड हैव वाइफ एंड चिल्ड्रेन बट हु कुड हैव लॉस्ट ऑफ ग्रैंड सम्रेन तो यहां पर ऑथर का ओपिनियन बताया गया है कि वो अपने दादाजी के बारे में क्या सोचते थे जैसा वो अपनी दादी के बारे में सोचते थे कि वो कभी यंग रही होंगी कभी प्रटी रही होंगी या कभी सुंदर दिखती होंगी या नहीं होंगी या उनके को कोई हस्बैंड होंगे या नहीं होंगे वैसा ही कुछ थॉट उनका अपने ग्रैंडफादर के बारे में भी था उनको लगता था कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं बिल्कुल भी वो ऐसे दिखाई नहीं देते कि उनकी कोई बीवी वगैरह रही होगी कोई शक्ल से कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो मैरिड है या अनमैरिड राइट एंड उनके कोई बच्चे भी रहे होंगे उनको कभी कभी ये भी यकीन नहीं होता था कि मैं ही उनका पोता हूँ और ये मेरे दादाजी हैं राइट ना बट हु कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रांड चिल्ड्रेन तो दादाजी इतने बूढ़े दिखाई देते थे कि उनको ऐसा फीलिंग नहीं आता था कि uh, इनके बच्चे होंगे यानी कि उनके पापा उनके बच्चे उनको नहीं लगते थे लेकिन हाँ उनको ग्रांड चिल्ड्रेन पर विश्वास था कि बहुत बूढ़े हैं बहुत बूढ़े हैं एक्सट्रीम बूढ़े हैं कि उनके पोते नाती पोते होंगे लेकिन बच्चे बच्चे नहीं होंगे ऐसी वाली फीलिंग आती थी राइट नाउ लुक एट दिस His grandmother used to move around the house in spotless white with.

राइट right? वो कैसा था वो क्या क्या पहनती थी स्पॉटलेट वाइट साड़ी एकदम चकाचक राइट कॉलिन की तरह एकदम साफ वैसी साड़ी पहनती थी और उनका एक हाथ कहाँ पे रहता था कमर पे क्योंकि वो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई थी और वो एक हाथ में माला पकड़ती रहती थी जिसको वो हमेशा जपा करती थी क्योंकि बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं वो भगवान में बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं सो दिस शोज आपसे पूछा जा सकता है ये कि हाउ कैन यू से दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज रिलीजियस राइट एंड समर्थोडॉक्स ऑल्सो सो यू कैन से दैट द अपियरेंस ऑफ हर वॉज वेरी क्लियर विद दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज कि कैसे आप कह सकते हो कि वो बहुत रिलीजियस थी तो उनका व्हाइट कलर का साड़ी पहनना और हाथ में रोज़री लेकर के माला जपना दिस शोज कि वो बहुत ही रिलीजियस थी नेक्स्ट देखें द राइट आर ऑफ हर एज नॉट वेरी प्रिटी बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटिफुल ऑल दाइम लेकिन आपको पता है ऑथर कहते हैं मेरी दादी भले ही बुढ़ी हो गई हूँ लेकिन मेरी दादी बहुत सुंदर थी बहुत सुंदर जैसे कि एक फेरी जैसे कि एक परी तो ऑथर का मानना यह है कि भले ही मेरी दादी बुढ़ी हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट शी इज नॉट प्रिटी एट ऑल राइट तो ऑथर कहते हैं कि भले ही मेरी दादी सुंदर ना हो बहुत ज्यादा लेकिन वो हमेशा बहुत सुंदर भले ही ना रही हूं लेकिन वो सुंदर हमेशा रही है विंटर hey, लैंडस्केप आपने कभी विंटर देखा है और विंटर लैंडस्केप कभी देखा है वहां पे बहुत पीस होती है विंटर लैंडस्केप क्या होता है आप अपने घर में ना अगर बहुत सारी पेंटिंग्स आपके घर में लगी हुई होंगी तो कोई एक पेंटिंग उठा लेना उस पेंटिंग में से विंटर वाली पेंटिंग उठाना तो बहुत शांति सुकून आसपास पीस दिखाई देगा क्योंकि विंटर्स में ऐसा माना जाता है एवरी एंड इज जस्ट स्लीपिंग राइट right? so, तो चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा चहचहती नहीं हैं इधर उधर बर्फ बर्फ होती है वाइट वाइट सा माहौल होता है तो बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट होता है सो so, ऑथर uh, क्या करते हैं ऑथर कंपेयर करते हैं अपनी दादी को विद विंटर लैंडस्केप विच इज़ अ मेटाफर राइट सो अकॉर्डिंग टू हिम ही सेज दैट माई माई ग्रैंड मदर वॉज अ विंटर लैंडस्केप सो दिस इज मेटाफर डरेक्ट कंपेरिजन किया उन्होंने क्यों बिकॉज शी हैज़ सो काम एंड पोलाइट बिहेवियर एंड दी अपीरेंस During the lengthy stay in the village, grandmother woke him up from the bed in the early morning, plastered his wooden slate, organized his breakfast, and sent him to school. Now, what are the activities that are done by the uh, grandmother when the author used to go to school? इन द विलेज तो आप क्या बताएंगे ग्रैंड मदर सुबह सुबह उसको उठाती थी बाबू बी भैया उठ जा ऐसे करके उठाती थी एंड उठाने के बाद वो उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती थी और जो वो आ, स्लेट लेकर के जाता था जिस पे खड़िया चौक से लिखते हैं राइट right? उसको उठा करके उसको पॉलिश करती थी उसकी सारी गंदगी साफ़ करती थी और उसके लिए ब्रेकफास्ट तो अच्छा अच्छा बनाती ही थी साथ ही साथ में उसके साथ स्कूल भी जाती थी तो वो उसे स्कूल खुद छोड़ने और ले जाने जाया करती थी उसका हाथ पकड़ करके सो इट साउंड सो ऑसम कि दादी वो सो अटैच विद दी ऑथर इन द चाइल्ड हुड डेज कि वो चाहती थी कि जो मेरा पोता है वो मेरी नजरों के सामने रहे और अच्छा उसका बुरा और जो भी उसके साथ एक्टिविटीज़ हैं वो मैं करूँ मैं साथ में उसके करूँ एंड देर शुड बी नथिंग लाइक दैट कि uh, उसको ऐसी फीलिंग आए कि वो अकेला है बिल्कुल भी सो ऑल टाइम दादी वॉज विद हर राइट ना सो so, आपको ये याद रखना है वोट आर दी एक्टिविटीज दैट आर डन बाई दी ग्रैंड मदर इ चाइल्ड हुड डेज ऑफ ऑथर इन द विलेज सो यू कैन से शी टू वोक हिम हाप अर्ली इन द मॉर्निंग प्लास्टर्ड हेज वुडन स्लेट ऑर्गेइज ब्रेकफास्ट एंड हिम टू स्कूल ऑल्सो राइट ना लुक एट दिस अब ऑथर कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं कि उनकी दादी और क्या क्या किया करती हैं वॉट आर दी पॉजिटिव एक्टिविटीज दैट आर डन दी दादी राइट सो ऑन दियोर वे बैक टू द होम्स टू गिव दपाती स्टेल का मतलब होता है बासी अब घर में खाना बचता है तो बहुत सारी चपातियां होती हैं ना जो बासी होती हैं ठीक है टू द स्ट्रीट डॉग अब ओते कहते हैं जब हम लोग स्कूल से वापस आया करते थे तो मेरी दादी डॉगीज को क्या खिलाती थी घर की बासी रोटियां कि खाना बर्बाद ना हो और किसी का पेट भर जाए तो ये गुड डीड दिखाता है दादी का दादी बहुत अच्छी थी अ टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप अच्छा ये चीज यहां पर जो नहीं की गए, वो मैं बुक्स कर uh, पढ़ा करती थी ठीक है uh, वहां पे जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती थी उन्हें पढ़ती थी ना टर्निंग पॉइंट इन दर ब्यूटीफुल रिलेशन व्हेन दे वेंट इन सिटी एक बहुत बड़ा सा ड्रास्टिक सा चेंज इनकी लाइफ में तब आया जब ये लोग कहाँ चले गए सिटी ऑथर कहीं ना कहीं अपनी दादी से अलग हो रहे थे एंड uh, दादी को भले ही ये चीज अच्छी नहीं लगती थी लेकिन दादी कभी बोलती नहीं थी राइट नाउ द राइटर यूज्ड टू गो टू सिटी स्कूल ऑन अ स्कूल बस अब दादी उन्हें अपने हाथ से छोड़ने और ले जाने नहीं आया करती थी स्कूल बल्कि अब ऑथर का जो चेंज आया था या उनकी लाइफ में जो चेंज हुआ था वो ये था कि अब उनकी स्कूल बस उन्हें लेने और छोड़ने जाती थी सो so, ये था पहला रिटैचमेंट ऑथर का अपनी ग्रैंड मदर के साथ राइट right? अनस्टडीड सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स अब वो स्क्रिप्चुर्स नहीं पढ़ते थे ठीक है वो जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया जाता है वो नहीं पढ़ते थे अब उनकी बड़ी बड़ी किताबें हो गई थी जो दादी को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती थी राइट और ये सारी किताबें ये सारे सब्जेक्ट्स तो जो दादी जी थी उनके लिए समझना और सोचना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल था बिकॉज़ दादी उतनी लिखी नहीं थी ना, बट इसका मतलब ये नहीं है है कि उन्हें ग्रंथ पढ़ना, है ना यार पढ़ना नहीं था। अब बड़ा, A, B, C, थोड़ा बहुत डिटैचमेंट यहाँ से शुरू हो गया कि ना दादी अपने पोते को स्कूल छोड़ने और लेने जा सकती हैं और ना ही वो उसको कुछ पढ़ा सकती हैं ठीक है His grandmother could no longer go to school with him to send him. अब उनकी दादी उनको छोड़ने नहीं जाती हैं स्कूल. She felt upset that there was no teaching about God in scriptures. बहुत दुखी हैं दादी. पता नहीं कैसा स्कूल है तुम्हारा? हम्म. नहीं यहाँ पर भगवान जी के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है और नहीं स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है. क्यों? ये तो होना चाहिए ना अच्छी अच्छी बातें भगवान से रिलेटेड बातें ठीक है होली बुक्स रिलीजियस बुक्स से रिलेटेड चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए बट देखो ना तुम्हारे स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता ये इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स यही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं क्यों तुम इतना डिटेच होते जा रहे हो भगवान जी से भी ना लुक एट दिस एट द सिटी स्कूल एंड स्टेड ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन राइट बट शी सेड नथिंग When मैं उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा रही गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता दादी को बहुत होट हो रही आखिर ऐसा क्यों है क्यों उन लोगों को अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता गॉड के बारे में और रिलीजियस चीजों के बारे में लेकिन फिर भी दादी शांत है दादी कुछ नहीं कहती दादी सिंगल वर्ड राइट दादी को यह भी नहीं कहना होता कि तुम्हारे यहां म्यूजिक लेसेंस क्यों दिए जाते हैं नाच गाना जो कि अच्छी चीज नहीं है क्योंकि दादी शांत है तो ये उनकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था सेपरेशन का जब ऑथर सिटी आए थे तब सेकंड टर्निंग पॉइंट उससे भी बड़ा था अच्छा एक चीज बता दूं जब बॉथर छोटे थे सिटी में रहते थे वो तो वो लोग रूम सेम शेयर करते थे राइट right? जब ऑथर थोड़ी से बड़े हुए राइट right? वो यूनिवर्सिटी जाने के लायक हुए तो क्योंकि वो बड़े हो गए थे उन्हें सेपरेट अलग पढ़ाई करनी होती थी अपने रूम में बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ करनी होती थी राइट right? सो so, उनको एक अलग रूम दे दिया गया था ताकि उनको किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कर सकें सो दिस वॉज अनदर टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑथर्स लाइफ जिसकी वजह से वो अपनी ग्रैंड मदर से अगेन सेपरेट हो गए the 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 common link of the relationship between the grandson and the mother was broken इतनी मोटी दीवार बहुत बड़ा गैप था ऑथर और ग्रांड मदर के बीच में उनके बीच में ऐसा लग रहा था कि जो गाट बंधी हुई थी उसको किसी ने तोड़ दिया ग्रैंड मदर रियॉक्ट एनी वन इन दाउस अब ग्रैंड मदर क्योंकि बूढ़ी होती जा रही थी और डिटेच होती जा रही थी वो बात करना बंद कर चुकी थी वो अपनी भगवान जी को याद करने में या रिलीजियस चीजें करने में ही इन्वॉल्व रहती थी शी स्पेंड प्लेंटी ऑफ येटिंग बिसाइड हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ऑफ गॉड सब देख रहे हो द ग्रैंड मदर इज कम्प्लीटली रिलीजियस अब वो अपना ज्यादातर टाइम कहाँ बिताती हैं या तो बैठी रहती हैं वो अपनी स्पिनिंग व्हील के बगल में कि जब उनको जरूरत होगी वो स्पिनिंग व्हील पे बैठेंगी व्हील चेयर पे और इधर से उधर मूवमेंट करेंगी या फिर वो क्या करती रहती हैं प्रार्थनाएं पड़ती रहती हैं भगवान जी की शी स्टार्टेड फीटिंग द स्पेरो बर्ज इन द आफ्टरनून अब क्योंकि बहुत ज्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता था बाहर जाना नहीं हो पाता था तो दादी करती बेचारी तो क्या करती कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं मेरे पास कोई एक्टिविटी तो है नहीं करने के लिए ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनके गुड डीड्स खत्म हो गए थे अब वो उनके आंगन में जो स्पैरोज आती थी जो बर्ड्स आती थी वो उन्हें दाना पानी दिया करती थी तो बहुत सारे स्पैरोज उनके आसपास आकर के इकट्ठे हो जाते थे सो ये किस टाइम पे करती थी वो आफ्टरनून में ना वेन राइट एंड लेफ्ट फॉर अब्रॉड अब ये ओवर भी ड्रास्टिक चीज हुई उनकी लाइफ में पहले तो एक कमरे की दीवार आई थी अब दो लोग बहुत जुदा होने जा रहे हैं दो अलग अलग जगह रहने वाले सो ऑथर कहाँ के लिए निकल गए हैं अब्रॉड के लिए फॉर हिस्स फर्दर स्टडीज ग्रैंड मदर डिड नॉट गेट डिस्टर्ब एट ऑल हाँ दादी ने बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं किया कि उन्हें बिल्कुल धक्का सा लगा है या वो ऑथर की जुदाई को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगी तो दादी वॉज लाइक एक्सेप्टिंग उन्हें समझ में आ रहा था कि हाँ बड़ा हो रहा है बच्चा और इसको शायद कुछ बेटर करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में तो दादी वॉज लाइक एक्सेप्टेबल की ओके नो इशूज आपको अगर ये चाहिए तो आप कर सकते हो शी सॉ हेम ऑफ एट द एयरपोर्ट तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ग्रैंड मदर थी शी वॉज जस्ट लाइक दिस कि आ, बच्चे टाइम के साथ बड़े होते हैं तो उनकी कुछ अलग ज़रूरतें भी होती हैं और ये नीड ऑफ दी आर था और दादी क्योंकि यहाँ पर भी ऑथर दिखाना चाहते हैं कि दादी ये डिटैच नहीं हुई बिल्कुल भी ऑथर से वो अभी भी दिल से उनके क्लोज थी भले ही वो लोग बहुत अलग अलग हो गए थे तो ये किससे दिखना है ये दिखता है जब ऑथर को दादी कहाँ छोड़ने के लिए आती हैं एयरपोर्ट पर सो so, ये बहुत ही अमेजिंग था बहुत ही हार्ट टचिंग फीलिंग थी

माइट बी ही इज़ जस्ट लुकिंग एट हेम फॉर द लास्ट टाइम अब उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे अब उनसे वो हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो रहे हैं और शायद उनकी आखिरी मुलाकात है दादी से क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो अदर को लग रहा था पता नहीं मैं वापस आऊँगा तो मैं मेरी दादी को देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा बट एज़ वी नो दैट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ सो यू हैव टू मूव ऑन सो ऑथर भी अपनी पढ़ाई के लिए आगे चले जाते हैं इस होप में कि शायद वो दादी से दोबारा मिले राइट right? सो so, ये एक बहुत बड़ा दुख था दादी के लिए दैट ही इज जस्ट लुकिंग द ग्रैंड मदर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ दिसट बी लिविंग हर सून न बट वेन ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया अब्रॉड में और फिर वो वापस आ गए

जब ऑथर वापस आते हैं तो ग्रैंड मदर इतनी खुश होती है इतनी खुश होती है वो गाने बाजे सब बजा रही होती हैं जैसे कि पता नहीं कितनी खुश हो नाच गाना जिसमें वो कभी इंटरेस्ट नहीं रखती थी वो हमेशा भगवान की प्रार्थना करती रहती थी उनके भजन गाया करती थी लेकिन नाश इज रियली वेरी हैप्पी राइट वो ढोल ताशे सब बजवा रही हैं जस्ट टू शो की हाउ मच शी इज हैप्पी कि जो ऑथर है वो वापस आ गए हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द रिटर्न ऑफ हिज ग्रैंडसन सन शी गोट इल जिस दिन ऑथर आए उस दिन तो दादी बहुत खुश थी लेकिन उसके अगले दिन ही दादी बीमार पड़ गई जैसे लग रहा था मानो दादी आ, अपने पोते का इंतजार कर रही थी जैसे लग रहा था दादी की जान उनके पोते में ही अटकी हुई है दादी का बीमार पड़ना वो सो स्ट्रेंज हालांकि बीमार तो वो पड़ती थी लेकिन कभी कोई इतना बीमार पड़ जाएगा कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगा दैट वॉज सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट राइट सो ऑथर के आने के नेक्स्ट डे द दादी वॉज नॉट एट ऑल गुड अब डॉक्टर को पता ऐसी फीलिंग आ रही थी जिस तरह की उनकी फिटनेस थी जिस तरह का उनका बॉडी पॉस्चर था द डॉक्टर वॉज थिंकिंग ऑफ दिस दैट शिल बी सून ओके एंड गेट वेल सून आपको पता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको अपनी मौत का इंट्यूशन हो जाता है बहुत बड़ा वर्ड बड़ है ये तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मेरा वक्त आ गया आखिरी

को इंट्यूशंस अंदर से आ रहे थे कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी नहीं बचेंगी एंड यू नो वर्ट समाइम्स जो हमारे इंट्यूशन होते हैं वो काफी ज्यादा रियल होते हैं शी वेंट टू हर बेड अपने बिस्तर पे जाती हैं प्रार्थना कर रही होती हैं एंड टेलिंग द बीट्स स्टिल हर लिप्स स्टॉप हाथ में उन्होंने रोजरी पकड़ी हुई है और ऐसे 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 माला जप रही है राम 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 एंड सडनली हर लिप्स आर जस्ट लाइक राम 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 अचानक से उनका हाथ ऐसे होता है और जो माला उन्होंने पकड़ी हुई होती है वो भी उनके हाथ से गिर जाती है एंड शी वाज लाइक अ बॉडी विदाउट लाइफ शी वाज लाइफलेस हर हैंड वाज लाइफलेस टू ग्रीव हर डेथ आप यहाँ भी बताया है ऑथर ने पार्ट ऑफ लाइफ एवरीबडीज टू डाइव तो ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो भी अब इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले हैं लेकिन आप देखो इंसान जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है ना तो उसको पता चल उससे पता चलता है कि उसने जिंदगी में कितना नाम कमाया है कितना कुछ अच्छा किया अपनी लाइफ में तो आप ग्रैंड मदर की लास्ट जो फ्यूनरल है उसका सीन देखना कि कौन कौन उस, उनको गरीव करने के लिए आया है कौन कौन उनका फ्यूनरल पे आया हुआ है सो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोट डिस्पोज बॉडी उनकी बॉडी के इर्द गिर्द आकर के सारे के सारी स्पैरो बैठ जाती हैं, और सबसे बड़ी चीज पता क्या होती है दाने पड़े हुए होते हैं वहां पे, लेकिन कोई भी स्पैरो दाना खा नहीं रही होती है क्योंकि सब बहुत दुखी होते हैं कि द लेडी विच और द लेडी हु यूज टू फीड द स्पैरोज नो मोर और कुछ देर बैठने के बाद वो वहां से उड़ जाते हैं so चुपचाप वो सब उड़ जाते हैं वेन द डेड बॉडी ऑफ द ओल्ड लेडी वॉज कैरीड अवे फॉर द लास्ट फाइट जब उठाया जा रहा होता है उनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा होता है दूर तो जितने भी स्पेरोज होते हैं वो चुपचाप वहाँ से उड़ करके चले जाते हैं और कुछ भी नहीं खाते कुछ भी नहीं नथिंग सो दिस शोज हाउ मच सैड द वर दादी के डेड बॉडी पर राइट सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि जब एक इंसान कोई अच्छे कर्म करता है तो कौन कौन उससे अटैच्ड हो जाता है और कैसे हमारी जिंदगी की अलग अलग फेजेस पे हमारे रिलेशन दूसरों से क्या हो जाते हैं अलग हो गुजरातें सो वॉट इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी अगर मैं स्टोरी को सम अप करूँ इफ आई ट्राई टू कंक्लूड द स्टोरी आई कम टू नो दैट द राइटर एंड हैज ग्रैंड मदर हैड अ ब्यूटिफुल बॉन्ड सो हियर वी हैव टॉट अ ग्रेट एंड अ स्ट्रॉग बॉन्ड बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर हाउ मच लव दे शेयर दे लव ईच अदर अ लॉट द स्टोरी ऑल्सो टेल्स अस दैट हाउ ब्यूटिफुल अ रिलेशन कैन बिकम बिटवीन अ ग्रैंड सैन एंड क्या होता है जब हम रिश्ते बनाते हैं लोगों से कनेक्ट होते हैं उनसे अटैच होते हैं जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है इवन हमारी आखिरी वक्त तक वो खूबसूरत रिश्ते हमारा, हमारा साथ देते हैं हमारा साथ निभाते हैं राइट right? सो so, ये स्टोरी हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है कि हमें हमें हमारे ज़िंदगी के हर एक पल को हर एक जीवन को जीना चाहिए लास्ट मोमेंट तक और अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए और हमेशा सबसे हेल्दी और स्ट्रांग रिलेशन बना करके रखने चाहिए सो माई डियर स्टूडेंट विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन बट मैं सेशन को एंड करते करते आप लोगों से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूंगी जो आप लोगों ने मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन सबसे पहली चीज तो आप मुझे यह बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करेंगे एंड यू पीपल विल टेल मी व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन वी कैन मेक फॉर ऑथर्स ग्रांड मदर आफ्टर लर्निंग द स्टोरी, ओके आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरी वन गाइज आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कर पाएंगे आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन तब तक के लिए बाय टेक गॉड वेस्ट यू ऑल